लो बुला लो मैया दरबार में, बुला लो बुला लो मैया दरबार में। हाँ दरबार में बड़ा आनंद I'm not afraid.
Yeah.
साहू चला रहे हैं।
तारा रानी मत मोहन दे कहूं आज चिंता ना करा इसके लिए सुनो एक बार जोरदार ताली Yeah.
मस्ती में जोन पे Yeah.
Oh,
तू तो भी के बजा रहे मर खाने के लाले दुखी दुखी मैं भी दुखी हूँ और मेरा बेटा गणेश भी दुखी है। बेटा गणेश तू परेशान है ना इसके सूट का मैं भी परेशान हूँ ना किसने करे पापा ने इसने माँ बेटा दोनों परेशान इधर बिना सूट के गणेश मैंने क्या कर दिया बेटा को काम कुटवा में तुम माँ बेटे किसी और को भी परेशान लग रहे हो हाँ किसको हम माँ बेटा जिस जिसको परेशान लग रहे हाथ ऊपर कर लो लाली बहु मेरी तुझे कैसे परेशान लगी बड़ी बात मैं परेशान हूँ किसे लगे हाँ तुम अगर झूठे हाथ ऊपर करोगे तो वही आ जाएगी कौन आ जाएगी छोटी काटने वाली बड़ी बात मैं परेशान हूँ नहीं है परेशान हाँ परेशान कैसे हो सके आज तक मैंने तुझसे कभी झाड़ू पोछा करवाया हाँ भोलेनाथ तूने बड़ी कोठी बनवा रखी मेरे लिए नागर साहब यही छोड़ दो दो चार महीने के मेल लियो कभी बर्तन साफ करवाए तेरे घर में बर्तन ही नहीं है कभी खाना बनवाया जब बर्तन नहीं है तो खाना का तेरे मुंह में बनाऊंगी जिंदगी छोड़ जा बोलूंगी बोलूंगी श्राप दे दूंगा गिलास लाऊंगी भोलेनाथ मैं जो तू पहने खड़ा है ये कपड़े हाँ ये कपड़े मेरे पीहर के हैं ताली हो जादो मेरे कपड़े मेरे पीहर के मेरे बेटे की कमीज ये भी पीहर की बनियान पीहर की पैंट पीहर की इसके कपड़े पीहर के तुम्हारे कपड़े ये भी पीहर कानों में ये भी पीहर की नाक में पीहर की गले में पीहर की हाथों में पीहर पैरों में पीहर की गणेश नहीं ये तेरा है मेरा है मेरा होता तो टाटा बाय बाय नहीं करता और मुझे तो आज पता चली तेरी और मेरी शक्ल क्यों नहीं मिले ये पीहर तो है आग लगी पट्टी में पर हाथों में जाली तू जो भी के पड़ा रहे पर खाने के लाले जो भी पत्नी की सेवा जो भी पत्नी की सेवा तो खुश हो के करी थी वो ही तो दोरा प्यारी हमसे उतारी थी वो ही तो दोरा प्यारी हमसे उतारी थी मैं तुम्हारी टूट जाती है तो एक गोटी हो जाती है बोले से बोला जब टूट जाती है तो एक गोटी हो जाती है पापा है? अरे बावले मर्द है ना मर्द तो गधे मर्द कभी मम्मी नहीं बन सकते मर्द पापा बनते तुम क्या बनोगे माँ ने नहीं ऑपरेशन करवाए अरे मर्द पापा बनते तुम क्या बनोगे पापा बनेगा शाबाश अच्छा एक बात और बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो हिंदी बोली इसका कसूर नहीं है तूने बच्चे से सवाल किया मैं तुमसे सवाल करूं क्या पति कौन होता है पति
पति परमेश्वर होता है। पक्का, पक्का सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए, पैर भी छूने चाहिए, अभी छू खुश रहो मेरे झूले। पति परमेश्वर होता है। अब पता चलेगा जो यहाँ पर शादीशुदा लेडीज बैठी हैं, ईमानदारी से एक बार वो लेडीज शादीशुदा हाथ ऊपर करो जो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 24 घंटे में एक बार अपने पति के पैर छूती होंगे। अच्छा इतनी सारी में से एक भी नहीं छूती? नागर साहब कर लो जागरण मैया, कर लो जागरण मैया। ये है, ये तो भला हो एक त्योहार ऐसा बना दिया, एक त्योहार ऐसा बना दिया। करो जो ऑफिस गया, शाम के टाइम पत्नी ने फोन किया, कहा हूं जी कि मैं ऑफिस में हूं, थोड़े जल्दी आ जाओ, क्यों आज मेरा उपवास है, तो फल फ्रूट खा लेना, जब तक चांद जैसा चेहरा नहीं देखूंगी। अब दूसरे दिन वही आदमी सुबह सुबह कह लगा भगवान ऑफिस जा रहा हूँ, एक कप चाय तो दे दे, पहले खोबड़ा तो धो ले। 364 दिन थोबड़ा और एक दिन का चांद, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ ऊपर करके एक बार अपने पति परमेश्वर का सम्मान कर दीजिए जो शादी शुदा है। जोरदार ताली बजाओ। एक I'm
आके आवाज़ जब सिर पे काली चाँद हम घबराएंगे।